सतगुरु है बोहे था विरलैक ने विचारे कर कृपा पार उतारे ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु जिन कल राखी मेरी सुकहो तल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मारण दुख जाय होवे शिव तुख समदी नूर अरसोह कुरसोह चट्टी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह देशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा वाहिगुरु जी पैरों महला पंजवा चितवत पाप नयालक आवे बेसुआ भजत किछ नह शरमावे चितवत पाप न आलक आवे बेसुआ भजत किछ नह शरमावे सारो दिन समझूरी करे हर सिमरन की वेला बजर सिर परे माया लग भूलो संसार आप भुलाया भुलावन हारे राच रहया बिरथा ब्योहार रहाओ पेखत माया रंग विहाए गड़बड़ करे कौडी रंग लाए अंध बिहार बंद मन धावे करने हार न जी मैं आवे करत करत इब ही दुख पाया पूर्ण होत न कारज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़फ मुआ ज्यों जल बिन मीना जिसके राखे हुए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु जी चवर शतर तखर दे मालक सर्व कला समर्थ सर्व सुखां दे दाते धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुभायमान गुरबाणी कीर्तन दे राही परम पिता वाहिगुरु जी दे प्यार विच जुड़ बैठे गुरु सवारी साध संगत जी वाहिगुरु जी दी बख्शिश सदका अमृत वेले गुरु के दर्शन दीदार करन दा
गुरबाणी कीर्तन सरवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। सतगुरु जी दी पावन बाणी दी विचार जो आप जी हर रोज सरवण करदे हो उस दे नाल संबंधित गुरु के ए पावन अमोल बचन भैरों राग विच्चों आप जी ने सरवण कीते ने। परमात्मा ने बड़ी विचित्र रचना इस जगत दी बनाई हुई है। गुरु नानक साहब जी महाराज के पावन बचन आसा की वार दे आरंभ विच कि आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदर साजिए कर आसन डिठो चाओ। परमात्मा ने अपने आप नू आप ही बनाया है, अपने नाम नू प्रताप नू आप बनाया है, अपने तो बाद दूसरी उसने एक कुदरत बनाई है, प्रकृति बनाई है, जगत बनाया है। और इस जगत नू बना के परमात्मा इहदे विच ही निवास करके बैठ गया है। परमात्मा ने इस जगत में जो मनुख बनाया है, मनुख दी जिंदगी दा ये मकसद सी कि इस जगत विच रमे हुए परमात्मा विच लिवलीन होना, अभेद होना, उहदे नाल जुड़ना। पर मनुख इस जगत विच आके केवल प्रकृति नाल जुड़ गया, परमात्मा दी बनाई किरत नाल जुड़ गया। किरत विचों करते नू देखना सी पर करते तक पहुंच ना सकिया, केवल ता केवल ए किरत तक ही सीमित होके रह गया। एक लफ्ज माया वरते है सतगुरु जी ने होर धर्म ग्रंथां विच भी कि मनुख माया विच मोहिया गया। माया दा अर्थ ही परमात्मा दा परछावां है, परमात्मा दी साजी हुई इह सारी रचना है। दुनिया दी ओह हर चीज जिस दे मोह विच पै के जां जिस दे नाल जुड़ के असीं अपने निशाने तो उक जाने हां जां वाहिगुरु नालों टुट जाने हां, ओह हर चीज माया है। माया दर्थ को कल्ला रुपया पैसा ही नहीं है, रुपया पैसा तो गुजरान है मनुख दी, पर जो रुपये पैसे दे मोह विच पै के मनुख अपनी इंसानियत तो डिग जांदा है, नैतिकता तो डिग जांदा है, फिर ये रुपया पैसा माया बन जांदा है। जो ये नाल जुड़ के रब नालों टुटदा है माया बन जांदा है। केवल रुपया पैसा ही नहीं, रुतबे भी माया ने। रुतबियां ते बैठ के जे मनुख रब नालों टुट गया ते माया। ए सुंदरता, ए जवानी, जां जितनी दे जिंदगी दे जिन्ने भी गुण ने साडे कोल, जे उन्हां दा हंकार आ गया असीं रब वाहिगुरु नालों टुट गए ते ए माया। गुरु अमरदास जी दा अमृत वचन, ए माया जित हर विसरै मोह उपजे भाउ दूजा लाया। दुनिया की यह चीज माया है जिदे नाल जुड़ के सानू वाहिगुरु भुल जांदा है। ओ कई वारी मनुख धर्म की दुनिया च रहिंदा होया सोचदा कि मैं धर्म कमा रहा, धर्म धर्म भी माया बन जांदा है उहदे लई। जो किसी नू अपनी भगती का हंकार है, माला फेरन का हंकार है, सेवा करन का हंकार है, अपने ज्ञान का हंकार है, पाठ पूजा का हंकार है, कोई भी धर्म कर्म का हंकार, ये भी एक माया का रूप बन जाता है। माया मगर लग के मनुख जिहड़ा है वह अनेक जन्मां जूनां च भटकदा है। माया माड़ी नहीं है, माया तो परमात्मा ने बनाई हुई है। परमात्मा की बनाई हुई कोई भी चीज माड़ी नहीं है। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਸੱਪ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੱਪ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ।
असी सतगुरु जी दे जीवन दी एक कथा अक्सर पढ़दे आं, विचारदे सुणदे आं कि गुरु नानक साहब जी अपने मोदीखाने ते बैठ के जो किरत करदे सन उत्थे भी तेरा तेरा ही करदे सन, उत्थे भी रब दे प्यार जुड़े रहिंदे सन। पर जदों असी अज जां धर्म दी दुनिया च नजर मारदे आं, धर्म स्थानां ते बैठा मेरा मेरा करी जान दिया, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਖ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉਂ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ਉੱਚਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲੀ ਜਾਏ ਨਾ। ਮਨਮੁੱਖਾ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਰੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਮਨਮੁੱਖੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਤੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾਗਣੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਜਗਟ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾਗਣੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਖਵਾਕ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੈਰੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਾ ਆਲਕ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਮੋਲ ਬਚਨ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕ 1143 ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ
दिया जो केंद्रीय पंक्तियां ने कि माया लग भूलो संसार आप भुलाया भुलावन हार राच रया बिरथा व्यवहार। सतगुरु जी कहने माया नाल जुड़ के ए संसार दे लोक अपनी जिंदगी दे असली मार्ग तो खुंज गए। हिरण हुंदा है गर्मियां दे दिनां च नूं प्यास लगदी है, दूर सूरज दीआं किरणां नाल रेत चमकदी है, उह पाणी नजर आउंदा है। गर्मियां नूं किते असीं हाईवे ते जाईए ना ते दूर सड़क ते वी लगदा जिवें पाणी हुंदा है। उह दरअसल इहनूं मिर्ग तृष्णा कहिंदे ने, उह सूरज दी चमक तों साडीआं अखां नूं भुलेखा पिआ। हिरण उहनूं पाणी समझ के ते उधर भजदा है कि मैनूं पाणी मिलेगा प्यास मुक जाएगी, पर ज्यों ज्यों भजदा है ना वह नजर आउंदा पानी होर अगे भजी चलिया जांदा, वह पानी हुंदा ही नहीं है, वह तो अखां दा इक भुलेखा है। और वह हिरण जिहड़ा मारू थल च तड़फदा ही मर जांदा है। मनुख दी भी हालत है, मनुख सोचदा है आ जाएगा सुखी हो जावांगा, वड्डा घर आ जाएगा सुखी हो जावांगा, वड्डा रुतबा आ जाएगा सुखी हो जावांगे। घर होना चाहिए, रुतबे होने चाहिए ने, धन दौलत होना चाहिए, पर जे बंदा सोचे इन्हां चो सुख मिल जाएगा ये दी बिल्कुल वह भुल है जिवें हिरण की भुल है। हिरण जिहड़ा ना लुछदा ही मर जांदा है। मनुख भी सारी जिंदगी ए कर लो सुखी हो जाएंगे, वह कर लो ये करदियां करदियां उहदी जिंदगी मुक जांदी, जिहड़ा कम करन लई आउंदा उह रह ही चलिया जांदा। बड़े कम करदा है बंदा और इन्ने कम करदा है अपने शरीर नूं मारदा है, शरीर नूं मारदियां जदों गल नहीं बनदी फिर जमीर नूं मारदा है, जमीर नूं मार के फिर दुखी हुंदा है। सतगुरु साहब जी कहिंदे माया लग भूलो संसार, ऐ संसार दे लोकी माया दे मोह विच पै के अपनी जिंदगी दे असली मकसद नालों टुट गए, भुल गए, परमात्मा नालों टुट गए। परमात्मा दे भुलण दा कारण यह है कि सानू दुनिया नजर आ रही है, परमात्मा नजर ही नहीं हुंदा। देखो ना जिस परमात्मा ने दुनिया बनाई, असीं कोई तस्वीर देखी ना, तस्वीर तस्वीर नूं देख के आपां कहिंदे वाह किन्नी सोहणी तस्वीर किसी ने बनाई, बड़ा कोई चंगा कलाकार होएगा। तस्वीर दी सुंदरता खूबसूरती देख के असीं कहिंदे कि कोई कलाकार किन्ना सियाणा होएगा। रब ने इन्ना वधिया जगत बनाया, रब ने इन्ना सोहणा सानूं बनाया, इन्नी वधिया जिंदगी दित्ती है, इन्ने वधिया पदार्थ दित्ते ने, वधिया रुतबे दित्ते, असीं कदी रब नूं वाह किया ही नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, असी कदी रब का धनवाद ही नहीं किया, सानू रब ये दुनिया के रही चेती नहीं आता। असी तो सोचते घर मेरा है, धरती मेरी है, जिंदगी मेरी है, परिवार मेरा है, हालांकि ये चो साडा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मनुख अग्ञानी है। अज तक धरती से जिन्ना धन रब ने बनाया उन्ना ही है, वह घटिया नहीं, एक तिल जिन्ना नहीं घटिया ना वधे है, उन्ना ही रहना। बड़े बड़े आए जेडे कहने धन मेरा है, धरती मेरी है, दौलत मेरी है, जान लगियां खाली हाथ ही चले गए। मनुख दी हालत ते है जिवें गऊ है ना, गऊ आपां पुराने समयां च गऊआं नूं मझां नूं बाहर जंगल च खुली जूच चारिया करदे सां, हुण खुरलियां ते बन के उहनूं पट्ठा दत्ता पाउंदे, फीडां सीडां पाउंदे ने जो भी जानवर रखण वाले ने। उह जो पशु है ना, मझ कह लो गऊ कह लो, सारा दिन खाणा खा के घाह पट्ठा खा खा के दुध एकत्र करदी अपने हवाने च, उन्हों आस है कि मेरा बच्चा पिएगा। जदों त्रिकाला नूं आउंदी है घर किले ते बंधदा है गवाला और वच्छे नूं उहदे हेठां छड्डदा है ते गऊ बड़े चाह दे नाल दुध उतारदी है कि बच्चा पिएगा। जदों दुध उतारदी है उह जिहड़ा मालक है ना वच्छे नूं फड़दा है गलों ते किले नाल बन्न दिंदा, सारा ही दुध खो के लै जांदा, उहदी आस पूरी नहीं हुंदी। आ शहद दीआं मक्खियां किन्नी मेहनत करके शहद इकट्ठा करदियां ने, जदों किन्ना सारा इकट्ठा हो जांदा है, एक बंदा हुंदा धूआं बालदा है, उन्हां दी अखां च धूआं पा के सारे शहद खो के लै जांदा है, वह खाली रह जांदियां ने। चूहा बड़ी मेहनत करके खुड पुटदा धरती च कि आराम दे नाल रहांगे, जदों खुड पुट लैंदा उत्थे एक दिन सप्प आ वड़दा, सप्प नाले चूहे नूं खा लैंदा ते नाले उहदी खुड पुट लैंदा। मनुख दी हालत भी इही है, सारी जिंदगी धन इकट्ठा करदा है, घर बनाउंदा है, बहुत पदार्थ इकट्ठे करदा है कि चलो जिंदगी आराम नाल बतीत करांगे, बनाउंदिया बनाउंदिया जिंदगी लंघ जांदी है। जद वह कर मरन लगदा है ना ते बीमार बापू दा बिस्तर एवें माड़े जे कमरे डाह दिंदे, उस वेले जिन्ने इन्नी मेहनत दे नाल घर बनाया हुंदा वह मां बाप नूं माड़े जे कमरे च बार बार जे खंघेगा रात नूं सानूं नींद नहीं ते चुके बिरधा आश्रम छड्ड दिंदे ते हस्पताल च पा दो, इत्थे असीं कित्थे संभालांगे।
इन्हें मेहनत ना घर बनाया उन्हें जिंदगी लगा दी पर जदो ओनू लोड़ सी जदो ते ओ तंदुरुस्ती उदो ते घर रहा ही नहीं कम ते रहा बेचारा उदो ते बाहर रहा वो घर की खातर ही मेहनत करता रहा लेकिन जदो ओनू लोड़ सी कि मैं हुण रोगी हाँ मैं घर च रहांगा उदो चुके बिरदाश्रम भेज दिता उदो चुके इन्हू हस्पताल भेज दिता उदो कहिंदे साडी कोई सेवा ही नहीं होनी यह है जिंदगी की असलियत लेकिन बंदा समझदा ही नहीं है साडे सामने है सब कुछ हो रहे है लेकिन असि फिर नहीं समझते कि घर मेरा है यह परिवार मेरा है हालांकि कोई एदा नहीं है गुरबाणी कहिंदी नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोड़ भावे को करोड़ी है ते भावे कोई कितना भी है अज तक धरती तो कोई नाल नहीं लैके गया पर माया अलग पूलो संसार ये संसार दे लोक माया नाल जुड़ के परमात्मा नू भुल गए रब नू भुल गए जिस माया रब ने इस नू बनाया सी जिस परमात्मा ने धरती ते भेजिया सी ये परमात्मा ही इन परमात्मा नू इन्हें भुला दिता साहब जी कहिंदे आप भुलाया भुलावन हारे राच रहा बिरथा व्योहार ये भी परमात्मा की एक कुदरत कह लो परमात्मा की एक अजीब रचना है माया भी तो परमात्मा ने बनाई है ना गुरबाणी कहिंदी कुर्बान कीता तिसे विटो जिन मोह मीठा लाया कुर्बान जाइए इहो जे परमात्मा तो जिन्हें साडे अंदर मोह पैदा कीता देखो ये मोह दे आसरे ते दुनिया चल रही है सारी मोह है असी घर परिवार नाल मोह करदे आ बच्चियां नू पालदे आ दुखी होके पालदे आ बच्चियां दी खातर इन्नी दौड़ भज करदे आ धरती दी रौनक ही इस ते खड़ी होई है इस करके साहब कहिंदे ये वाहिगुरु जी ने रचना ही इहो जी बनाई है कि मनुख रब दी बनाई माया नाल जुड़ गया इत्थे परमात्मा ने जो कुछ बनाया माड़ा नहीं है अगली गल है कि परमात्मा किसी नू भुलाउणा नहीं चाहुंदा इत्थे सतगुरु जी दा कहण दा एक मकसद है मकसद है कि माया भी रब दी बनाई है जिंदगी भी रब दी बनाई है असीं सारे रब दे जो कुछ आसे पासे भावे वह चंगा भावे माड़ा वह है तो रब दा ही है ना बनाया होया भावे हनेर है भावे चानण है हुण रब दीआं बणाईआं चीज़ां नाल जुड़ के असी रब नाल टुटे हाँ पर रब ने तो एक होर भी गल बनाई सी जिहड़ी सानूं चेते नहीं आउंदी रब ने जिंदगी दित्ती रब ने धरती ते लिआंदा रब ने बड़े सुख दित्ते ते रब ने नाल गुरु ने इस धरती ते भेज दिता कि मनुख नूं जिंदगी दा ज्ञान मिल जाए मनुख नूं जिंदगी मिल गई ना कई वार असी बच्चियां नूं कोई चीज़ लिया दिंदे हाँ कोई खिडौना लिया दिंदे हाँ कोई होर चीज़ लिया दिंदे हाँ ते बच्चे इन्ने चाच हुंदे ना लैके भजना शुरू करदे आपां कहिंदे लिया तैनूं सिखा दईए चलाउणा कि उह मन्नदे ही नहीं फिर उह फिर आपे ही उहनूं छेड़छाड़ करके खराब कर लैंदे ने मनुख दी हालत इह है कुझ मनुख नूं जिंदगी मिली पर वाहिगुरु जी ने कहा कि जे जिंदगी तैनूं मिली है जिंदगी जीउण दी जाच सिख लै तूं दुखां दा कारण तैनूं जीउणा नहीं आया ते मनुख कहिंदा मैनूं जाच सिखण दी लोड़ कोई नहीं मैं बड़ा सियाणा बस गल इत्थे आ के गड़बड़ हो गई साहब जी कहिंदे ने कि मनुख रब दी बनाई इस रचना दे विच भुल गया समझो कि रचना भी रब दी बनाई है भुलिया भी उस रचना दे अंदर है राच रहा बिरथा व्यवहार यह बंदा जिहड़ा है ना इस रब दी बनाई रचना च ऐ विरथा जिहड़ियां गल्लां ने विरथा उन्हां विहारां च पै गया हुण देखो घर रहण लई चाहीदा इहदे च कोई शक नहीं है घर होना चाहीदा हर बंदे दी लोड़ है और गुरु साहब ने आप घर बनाए सिखां नूं घर बना के दित्ते लोकां नूं घर बना के दित्ते नगर बनाए घर है पर कोई कहे जी पंज सत घर बना लईए इह ते हुण इक बिरथा जी गल है ना धन चाहीदा गुजरान लई चाहीदा तां पर कोई कहे जी हुण लोकां दा खो खो के इकट्ठा ही कर लईए इह ते बिरथा गल है ना क्योंकि लोगों का खो के बद दवावां ते लै लवांगे पर नाल ते जाना नहीं है ना आपां नूं को खाणा खाणियां ते दो रोटियां ने सगो कई बार जो बहुता थन आ जाए ना बहुता मनुख दी धन कमाउंदियां कौंदियां शरीरक हालत इहो जी हो जांदी है कि डाक्टर कहिंदे कि तूं रोटी नहीं खाणी तू दुध भी नहीं पीणा तू मिठा भी नहीं खाणा बस तूं ते एसी दे मूहरे भी नहीं पैणा इहो जी हालत हो जांदी बंदा मेहनत कर करके कमाउंदा है ते अवस्था यह हो जाती है कि डाक्टर कहिंदे कि तू आ चीज नहीं खानी तू आ चीज नहीं पीनी हुण इना कुछ करके जे इकट्ठा कीता फिर बिरथा ही है ना उहनूं आपां सकारत नहीं कह सकते उह ते अकारत है सब कुछ सतगुरु जी कहिंदे मनुख ने जो कुछ कीता है बिरथा ही कीता अकारत कीता कोई चीज इहदे नाल नहीं निभ सकदी सतगुरु जी ने आरंभ तों बचन की चितवत पाप नयाल के आवै मनुख दी हालत इह है कि इनू पाप करदे आ ना बिल्कुल कोई संग शर्म नहीं है पाप पाप मन नाल कीता जांदा है
और शरीर दे नाल अपराध किया जाता है। पहला मन च पाप आउंदा है, फिर बंदा उन्हें जो कुछ करन दे लई शरीरक तौर पर हरकत करता है वह अपराध बन जाता है। अपराधी सानू नजर आते हैं, पापी सानू नजर आते हैं, क्यों पापिया ने मेरे वर्गिया ने कपड़े चिट्टे पाए होंगे पता नहीं लगता उन्होंने। अपराधी नजर आते हैं, अपराधियों की जेलां ने, अपराधियों की अदालतां ने, वह भी माड़िया मोटिया की वड्डिया की नहीं। वड्डे अपराधी तो हीरो बन जाते लोगों के, सगो लोग उन्होंने कहानियां पढ़ते हैं, देखो ना एक कोई माड़ा काम कर दे आप कहने बड़ा माड़ा है। तो वे वे राजे दिवचारियों दहानियां सुनने, फलाने राजे के 365 विआह सन, फलाने राजे के ए वाह सन, कहानियां सुनाते हैं लोग, वह हीरो बन जाते लोगों के वे पापी अपराधी जड़े ने। सतगुरु साहब जी कहते मनुख जड़ा है ना चितवत पाप ना आलक आवे। ये जो मन में पाप चितवद ना यू कोई संघ शर्म नहीं आती, आलस नहीं करता। मन का एक सुभा है माड़े काम लिए बड़ा उदमी, चंगियाई आलक करे बुरियाई होए शेर। मन बैठा बैठा देखो बुरा सोचना सोचन लग पे, चिंता करनी झट करनी शुरू कर देगा। इनको खुश रह ना जी, खुश रहना बड़ा औखा है। नीवे बन्ने जाना बड़ा सौखा है, नीवे बन्ने जाना बड़ा सौखा है। किसी मनुख नु मानसिक तौर पर तुम पॉजिटिव करना हो, उच्चे करना बड़ा औखा है, कोई सौखा काम नहीं है। जेड़ा एक बार चिंता कर लग पाया, माड़े बन्ने लग पाया, बुरा सोचन लग पाया ना, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚਾੜਨਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਿਆਲਕ ਆਵੇ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਮਨ 'ਚ, ਪਾਪ ਮਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਪਾਪ ਹੈ, मन दे विच किसे विकार दी गल आ गई यह पाप है, मन दे विच किसे दी निंदा दी भावना आ गई यह पाप है, झूठ बोलन दी भावना आ गई पाप है, बेईमानी कर ली यह पाप ने दरअसल। अज तक यह ते जे किसे ने गोलख चो पैसे चुक ले उहना सी कि ने बड़ा माड़ा काम कीता इहने, उहनूं आपां फड़दे भी आ, उहनूं आपां सजा भी दिंदे आ, उसको माफी भी मंगाउंदे, होर बहुत कुछ करदे ने लोग। जां होर कोई किते चोरी कर ले, किते को माड़ा काम कर ले, आपां कहिंदे इस बंदे नूं लियाओ समाज बरादरी दे सामने, इहदे पासों माफी मंगाओ, इहने गलत काम कीता, इहनूं सजा मिलनी चाहीदी है। लेकिन जिहड़े पाप बंदा करदा है वह तो अज तक कदी नहीं किसी पता, वह तो कदी नहीं किसी ने कहा कि मेरे वाहेगुरु जी मेरे मैं झूठ बोलिया है, जां मैं किसी दिन बेईमानी की है, मेरी कृपा करके वह तुम भुलो माफ कर दो। पाप तो लुकाए हुए ना, पाप लुके हुए, जिंदगी दे अंदर बहुत कुछ चंगा हो रहा है, लेकिन जो चंगा हो रहा है ना उन्होंने तो बंदा आडंबर करता है, उन्होंने दसदा है, पर जो कुछ माड़ा हो रहा उन्होंने दबाना चाहता है। यही कारण है कि बहुत कुछ चंगा हो रहा है, बहुत कुछ चंगा होंदिया होया भी वह चंगा प्रफुल्लित नहीं हो रहा। साडी हालत यह है जिवें कणक बीजद जिमीदार को फसल बीजद ना, जिहड़े दाने दबे जाण उग पैंदे ने, जिहड़े दाने बाहर किते रह जाण सियाड़ तों उन्हां नूं चिड़ियां कां तोते चुग जांदे ने। जिहड़े कर्म तुसीं दबा लओगे उह ते प्रफुल्लित होणगे, जिहड़े कर्म तुसीं नसर कर दिओगे उह कर्म जिहड़े ने कोई असर नहीं पाउणगे। बिल्कुल चंगे कर्म तो आप दसते हैं, देखो जो चंगा कम भुल भुलेखे बंदा कर ले, कहिंदा जी मेरी फोटो लग जाए कि मेरा नाम हो जाए, अनाउंसमेंट हो जाए, लोगों की चर्चा होनी चाहिए कि मैं बड़ा वधिया काम किया। अज तक कभी किसी ने कहा माड़े काम की चर्चा करो, मैं झूठ बोलिया चर्चा करो, बंदा कहिंदा दसी ना किसी नूं, एवें जे पता लग गया ना चुप किया रही दसी ना किसी नूं, वह लुका दिंदा है, वह झूठ होर प्रफुल्लित हुंदा रहिंदा है, वह पाप होर प्रफुल्लित हुंदा रहिंदा, पाप मन च करदा है, लुका के करदा है, पाप वधदे चले जांदे ने। सतगुरु जी कहिंदे इहनूं बिल्कुल आलस नहीं आउंदा, पाप कर्म करन लग्गिआं बुरा सोचण लग्गिआं किदे झिझकदा नहीं है, किदे आलस नहीं आउंदा। इहदी ते हालत बेसुआ भजत किछ नहि शरम आवै, बेसुआ दा अर्थ हुंदा है डिगे हुए अचार वाली कोई स्त्री, पर इत्थे बेसुआ दा अर्थ माया। गुरबाणी सतगुरु जी ने एक बचन वरते है, कहण लगे माया मोह त्रकटी नाल ਭੁੰਡੀ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਇੱਕ ਵਿਵਚਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਤਤ ਕੋਈ ਵੇਸਵਾ ਦੁਆਰੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪਤਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਦਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ,
जो माया का मोह साडे ते असर करेगा असी बेईमानी करांगे, जो माया का मोह साडे ते असर करेगा असी हेरा फेरी करांगे, ठगियां करांगे। ए ते पतत पुण है, इन्हें ही पतत कहिंदे। पतत दा अर्थ हुंदा अचार तो डिगया होया व्यक्ति। साहब कहिंदे माया का मोह जिहड़ा है ना ਇਹ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਏ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੇਸਵਾ ਭਜਤ ਕਿਛ ਨਹਿ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਔਗਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। मेहनत ना करे कोई वड्डी गल है, सियाणी गल है, मुबारक है। पर वह बंदा चलाकियां नाल हेरा फेरियां नाल चार पैसे कट्ठे करके ना लोकां च बड़ी शान जी बना के फिरेगा। रज के झूठ बोलण वाला समाज विच बड़ा सन्मानिया जाएगा। रज के बेईमानियां करके वड्डियां गड्डियां रख के वड्डी धन दौलत कट्ठी करके वह लोकां च बड़ा बेशर्म जिहा होके फिरेगा कि मेरे वर्गा है ही कोई नहीं है। हरगुरु जी कहिंदे नहि शरमावे, बंदा शरमाउंदा नहीं है कि मैं गलत काम कीता है। वो ये सोचता कि मेरे को दौलत बड़ी है, मेरे को रुतबा बड़ा है, लेकिन वो किवें आया ये नहीं सोचता, लेकिन शर्माउंदा ही नहीं है। सारो दिन मजूरी करे, सारा दिन माया दी खातर ये दौड़ भज मजदूरी करता रहिंदा। मजदूरी दा अर्थ है कि मेहनत करता रहिंदा है। हर हर सिमरन की वेला बजर सिर पर, जदों परमात्मा दे प्यार च जुड़न दा मौका हुंदा है जिमें बिजली नहीं पै जाती, बिजली इदा पै जाता है। आप देख ही लीए भागा वाले ने जेडे कि वाहेगुरु जी के प्यार जुन ली चाह के नाल सवेरे उठते, उन्होंने पहले नमस्कार है जेडे उठते हैं जिथे भी ने उन्होंने वंदना है। जेडे वाहेगुरु जी के प्यार जुड़ते गुरु नानक साहब जी कहते हों कुरबाने जाओ मेहरबाना, हों कुरबाने जाओ तिना के लैन जो तेरा नाओ, लैन जो तेरा नाओ तिना के हों सद कुरबाने जाऊं। बाबा नानक जी कहिंदे मैं कुरबान जाना उन्हां तों। पर आम अपन संसार दी रीत की देखदे आं, इह रात सी सौण लई, दिन सी जागण दे लई। आपां देखदे बंदे नूं रात नूं नींद नहीं आउंदी, उहनूं नींद आउंदी उदों जदों उठण दा वेला हुंदा, 10 बजे उठना, 12 कईआं दा तां दिन ही 12 बजे चढ़दा जाके किते। और हर सिमरन की वेला जदों रब दे प्यार जुड़न दा मौका हुंदा, भावें वह अमृत वेला है, भावें वह सतसंगत दा समा है, बंदा दुनियावी कार वकार विहार च बड़ा अलर्ट रहिंदा। कदी तुसीं देखिआ है कि कोई अपने काम कार ते होए ते उहनूं किते आलस आ जाए, वह किते ऐं ऊंघ जाए, जां उहनूं किते कोई नींद वी आपे, देखिआ तुसीं किते सतसंगत च आके बैठ जाए, ऐवें वासियां ली जाएगा बंदा, जां पिछे लग के सौ ही जाएगा, होर कोई नहीं तो गल्लां ही करी जाएगा, कोई ना कोई बहाना लभेगा, तुरे जांदे नूं घेर लेगा बैठा बैठा के कोई गल ही कर जा मेरे नाल, बहाना लभेगा। यह है हर सिमरन की वेला बजर सिर पर है, जदों रब दे प्यार च जुड़न दा वेला हुंदा उदों ते समझो इहदे ते बिजली डिग जांदी है, ऐ निडाल पै जांदा है उदों। उदों रब वाले बन्ने नहीं जुड़ना चाहुंदा, पर माया वाले बन्ने ऐ भजिया ही फिरदा कि माया की गल हो, चुगली निंदा की गल हो, किसी की बुराई की गल है, कन्न खड़े हो जाते हैं, फिर बंदा बड़ा कन्न ला के सुन दे, जे कि सुनता होना तो बोले कहते चुप कर जाओ गल सुन लेंदे मैंने जरा, फिर झिड़कद चुप कर जाओ गल चंगी तरह समझ नहीं आई, आ गुआढ़ियों के हो रहा जरा सुन तो लीए, फिर कहते चुप कर जाओ जरा शांत रहो, तो जे कि कीर्तन सुन ली बह जाए इतने बहाने लभद गल करने। यह हर सिमरन की वेला बजर सिर पर, जदों रब के प्यार जुड़न का वेला है उदे सिर ते जिवें बिजली नहीं डिग जाती है, बिजली डिगे तो बंदा बे सैन लेट जाता है धरती से, बिल्कुल इदा रब के प्यार दे विच जुड़न दे वेले ए उधरों गाफल हो जाता है, अवेसला हो जाता है। माया अलग पूलो संसार, आप भुलाया भुला मनहारे, राच रहा बिरथा ब्योहार। सतगुरु जी कहिंदे संसार माया नाल जुड़ के भुल गया रब वाले बन्ने तो, यह रब ने बनाया सी संसार, ते समझो कि रब की रचना नाल जुड़िया, तो रब नहीं भुलाया, आप ही कहांगे कि रब की रजाच ही भुलिया। रब की रजाच इवें है कि रब ने जगत बनाया, तो यदा कोई सिस्टम बनाया, यदा कोई विधि विधान बनाया। विधि विधान यह है कि इस जगत में आके ये माया तो मोहेगी, ये तो कुदरत ने माया बनाई जी इसे काम लिया है, पर ये बाहर निकलनी सानू गुरु का ज्ञान सी, ज्ञान असी प्राप्त नहीं किया रब की बनाई, माया नाल जुड़ के आप रब नालों टुट गए। इस करके बंदा कहता रब ने ही भुलाया सानू, रब ने माया बनाई है, ये कह के विरथा विहार जुड़ गया। पेखत माया रंग विहाए,
माया दे रंग वेख दिया वेख दिया दी जिंदगी बतीत हो जाती है। सतगुरु जी का एक वचन है कि बहती जात कदे दृष्ट न तारत, मिथ्या मोह बंदे नित पार्थ, माधवे भज दिन नित रहनी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी। सतगुरु जी कहते बंदे आ तू माया दे मोह च लग के अपनी जिंदगी दे असली मकसद नाल टुट गया, तेरी जिंदगी दी धारा वहिंदी जा रही, तू कदी ध्यान ही नहीं दिता। नदी का पानी नहीं जिवें तुरिया जांदा, साडी जिंदगी नदी दे पानी वांगू है। दरअसल इसी जिंदगी समझ लिया नदी दे कंढिया नूं, जिवें नदी दे कंढिया नूं को नदी समझे, नदी दे कंढिया नूं को नदी समझे, असी अपनी जिंदगी शरीर नूं जिंदगी समझ लिया। शरीर जिंदगी नहीं है, ए जिहड़ा समां नहीं लंघ रहा, औध घटै दिन सरहणा रे। उम्र जिंदगी आपां कहिंदे समें नूं, इन्नी जिंदगी लंघ गई, इन्नी जिंदगी बाकी है। टाइम नूं आपां जिंदगी कहिंदे, टाइम जिंदगी है। लेकिन जिंदगी दी बंदा कदर नहीं करदा, जिंदगी दे बारे बंदा अवेयर नहीं है। सतगुरु जी कहिंदे इहदी हालत कि पेखत माया रंग विहाए, माया दे रंग देखदिआं तमाशे देखदिआं इहदी जिंदगी बतीत हुंदी जांदी है। गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, कौडी दा अर्थ हुंदा मामूली जी चीज, आपां कहिंदे कौडी बदले जाए, कौडियां दे भाव विगे आम कहिंदे कौडियां दे भाव चलिया गया। कौडी सब तों घट जिहड़ी है सस्ती चीज है। साहब जी कहिंदे ने कि इह मनुख जिहड़ा है ना एवें कौडियां मगर लग के कौडियां दे बदले अपनी जिंदगी च गड़बड़ करी बैठे। देखो माया गुजरान है, रोटी खानी है, मेहनत करेगा बंदा मिलदी जाएगी, पर बंदा सोचता है कि आप बहुत कुछ इकट्ठा कर लवेंगे शायद महान बन जावेंगे, गल सिर्फ कौडियां वर्गी है, इहदों ज्यादा नहीं है। तो बंदा कौडी दे रंग जुड़ के अपनी जिंदगी च आप ही गड़बड़ पैदा कर लैंदा है। सतगुरु जी कहिंदे अंध बिहार बंद मन धावै, अंध दा अर्थ हुंदा है जिहनूं आपां कहिंदे ना हनेरे च बंदा टक्करां मारी जा रहा है। दुनिया दे जिन्ने विहार बंदा कर रहा है इह कह लो कि हनेरे च कर रहा है, अज्ञानता च कर रहा है, ते इहदा मन जिहड़ा ना बंधना च पै गया, माया दे बंधना च इहो जिहा पै गया कि माया इहनूं भजाई फिरदी है। असीं कई वारी कहिंदे आ कि असीं माया दे मालक, असीं माया दे मालक, दरअसल असीं माया दे मालक नहीं, माया साडी मालक बन गई। जे असीं माया दे मालक होईए, गुरबाणी कहिंदी खसम मरे तो नार ना रोवे। जदों बंदा कहिंदा कि मैं मालक माया दा, मालक मरदा ते उहदी रोंदी नहीं है जिहड़ी है माया, उह नहीं रोंदी। मालक ते असीं तां होए जे माया साडे मगर मगर भज्जे, मालक ते असीं तां होए ना जे माया साडे मगर मगर भज्जे। किसे बच्चे ने गऊ फड़ी सी, पुछदा गऊ किहदी, कहिंदा कहिंदा मेरी है जी, कहिंदे तेरी किद्दां, कहिंदा देखो रस्सा मैं पाया मेरी, मेरी गुलाम है, कहिंदे ये तेरी गुलाम नहीं तू गऊ दा गुलाम है। उह कहिंदे किद्दां, कहिंदे छड्ड इहनूं जरा वेखदे आ। उहने रच्छा छिया गऊ भज गई ते मगर मगर भज्जा, फिर कहिंदे गुलाम ते तू इहदा मगर मगर भज रहे आ, गऊ ते तेरे मगर नहीं भजदी, तू रस्सा पा के लियाउणा चाहुंदा अपने वल, मालक बनना चाहुंदा तू, पर मालक है नहीं है। बंदा धन दा मालक बनना चाहुंदा है पर अज तक धन दा मालक कोई नहीं बनिया। जिहड़ा मन दा मालक नहीं बनिया वह किसे दा भी मालक नहीं बन सकता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पहला मन दे मालक बनना पैंदा, मन दे मालक, मन जीते जग जीत। जिहड़ा मन दा मालक बन गया वह ते नौ निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरे। जिहड़ा मन दा मालक बन गया माया ते उहदे हाथ ते दर ते हाथ जोड़ के खड़ी रहिंदी है, माया उहदी सेवादार नहीं बन जांदी है। सतगुरु जी ने कहा सी माया होई नागनी जगत रही लपटाए, गुरमुख कोई गारड़ू तिन दलमल लाई पाए। नागण हुंदी है सपनी, वह खतरनाक हुंदी है, वह डंग मारे बंदा मर जांदा है, दुनिया उहदे तों डरदी है। माया नूं नागनी नाल तुलना दित्ती, पर जिहड़े हुंदे ने जोगी जां जिहड़े सपेरे हुंदे ने जिन्हां नूं उहनां दी सप्पां दी दुनिया दा पता है, उहनां कोल मंत्र हुंदा जुगत हुंदी, उहनूं फड़ के ना गल च ही पाई फिरदे ने, गल च पटारी च लै के तुरे फिरदे, उहनां दी गुजरान बन जांदी, उहनां दी रोजी रोटी बन जांदी है। बिल्कुल जिहड़े गुरमुख जन ने उह फिर माया नूं कील लैंदे ने, माया उहनां दी सेवादार बन जांदी, माया ते उहनां दे मगर मगर तुरी फिरदी है, मगर मगर तुरी फिरदी है, उह माया नूं दूर ही रखदे ने, पर माया उहनां दे मगर मगर तुरी फिरदी। पर कदों, जदों असीं मन दे मालक बन जावांगे। बंदा धन दा मालक बनना चाहुंदा है, बंदा धरती दा मालक बनना चाहुंदा है, बंदा बंदियां दा मालक बनना चाहुंदा है, पर बंदा अपना मालक नहीं बनना चाहुंदा। जिन्ना चिर बंदा अपना मालक नहीं ना बनेगा
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਅੰਧ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਮਨ ਧਾਵੈ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਵੈ ਆਵੈ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬੰਧਨਾਂ ਚ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠਾ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਬਣਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋਗੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੋਗੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣੋਗੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵੜ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 11 ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਓ ਨਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਧੰਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਦਰਅਸਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਖਚਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਰ ਜਮਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਰੱਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਐਨ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੜਫ ਮੂਆ ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ, ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੱਛੀ ਕਿਸੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ,
ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ ਤੜਫਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝਣੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬੜਾ, ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ, ਧਨ ਬੜਾ, ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੈਕਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੜਫੂਆ ਜੋ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ, ਮੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੜਫਦੇ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਹਰੋ ਬਾਹ, ਥਪ ਥਪ ਖੱਪੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲੇ ਗੱਲ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪ ਤਪ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਪੀ ਜਾਏ, ਤੜਫੀ ਜਾਏ, ਉਲਾਮੇ ਦੇ ਜੇ, ਵਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬਰ ਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇ ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਹਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪ ਜਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ, ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪ ਜਾਪ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਆਖਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਸਾਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਵ ਲਗਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣੋ, ਜੋੜੀਦਾਰ ਸੰਗੀ ਬਣੋ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੱਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਭੁੱਲੋ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ
कि पाव करन लगिया कोई आलस नहीं है, कोई बहाना नहीं है। माया दी खातर पाव औगण कर लगिया कोई बहाना नहीं है, पर ए माया नाल जुड़ के अपनी जिंदगी दे आचार तो डिग पे, ये पतत हो गए, नीवे हो गए, आचार करके बेईमान बन गए, झूठे बन गए, निकम्मे बन गए, आलसी बन गए। जिन्हें भी जिंदगी दे औगण ने आ गए सिर्फ माया नाल जुड़ करके। जिवें वेसवा दे धरते गया को बंदा पतत हो जाता है, बीमारियां सहेड़ लैंदा है, इवें जो सुरत माया च जुड़ी बंदा पतत हो गया। हुण सारा दिन मजदूरी करता है, दौपड़ करता है, पर अखीर इस धरती तो पछताउंदा चलिया जांदा है। सतगुरु जी ने जिथे संसार की हालत दसी है उथे सानू मार्ग दसिया कि जिन्हां नूं जिंदगी च पूरा गुरु मिल जाए, सत संगत रही जो वाहिगुरु जी दे गुण गाउंदे ने, उहनां दा रखवाला परमात्मा रहिंदा है। वह जिथे भी रहण माया उहनां ते प्रभाव नहीं पा सकदी, माया सगो उन्हां दी सेवादार बन जांदी है। माया ने प्रभाव माया दी ते चमक रहनी रहनी है, माया दा काम ही यही है, माया बनाई इसे करके परमात्मा ने। बाबा कबीर साहब जी कहने के कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेश, कहने लगे मेरे को माया आई कई रूप बना के, कई रूप ने माया दे, माया दा कोई रूप पैसा नहीं है। माया तुहानू कहिंदे उस्तत दे रूप च आ जाए। देखो जी बड़ा ज्ञानी है, बड़ी सोहनी कथा करदा, पुछो कुछ ना, इन्ना विद्वान लभना कि सेवादार बड़ा तगड़ा है, कीर्तन बड़ा सोहना करता है जी, बाबा जी बड़े महान ने। माया तो इदां भी आ जाती है, माया कई रूप बना के आ जाती है, माया उस्तत दे रूप च आ जाती है, खुशामन दे रूप च आ जाती है, निंदा दे रूप च आ जाती है। कहणगे अनक करे कर भेस, हम राखे गुर अपने उन कीनो, मैनू मेरे गुरु ने बचा लिया, गुरु ने जेड़ा ज्ञान दिता सी उहदे सदके मैं बच गया। ते जदों मैं बच गया फिर माया मैनू प्रणाम करन लग पई। पहला माया मैनू पुलोसन लई आई, भरमाउण लई आई, और हुण माया मैनू प्रणाम करन लग पई। सतगुरु जी ने मुख वाक रही सानू ज्ञान दिता, जे आपां गुरु दे राहीं वाहिगुरु जी दे प्यार जुड़ गए, माया तुहाडी दासी बन जाएगी। माया हैगी दासी सी, पर असीं दासी दे दास बन गए। सतगुरु जी मेहर करन, गुरु के ये अमृत बचन साडियां हिरदियां च वसन। इन्हीं बेनतियां प्रवान करनियां, बेअंत भुलां जो हो गईयां ने भुल चुक दी खिमा करनी जी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सारियां नूं अपने दरों करों गुरबाणी का प्यार बख्शिश करन, सतसंगत का प्यार बख्शन। धन गुरु नानक साहब जी का पावन प्रकाश दिहाड़ा समूह सिख जगत विच बड़े चा नाल श्रद्धा नाल हर थां ते मनाया जा रहा है, इत्थे भी तैयारियां हो रही ने। आपां भी संगती तौर ते होरनां नूं प्रेरणा करिए, भई आओ गुरु घर आया करिए। पुराने समयां नूं जदों आपां देखदे हां याद है जदों गुरपुरब आउणा, गुरद्वारियां च कई दिन पहलां ही रौनकां वध जांदियां सन, पर पता नहीं आपां क्यों अवेसले हां इत्थे, आपां ध्यान नहीं दे रहे आपां इस पक्ष वल। आओ आपां सारे रल मिल के उद्यम करिए, गुरु नानक साहब जी दे प्यार विच आपां रल मिल के जुड़िए, गुणिए गुरु कीआं कथा कहानियां सांझियां करिए। इन्हीं बेनतियां प्रवान करनिया जी, भुल चुक दी खिमा, सरबत दा धन्नवाद, प्यार सत बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।